मस्जिद पर चढ़ करके वो बच्चे जो शायद बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय पैदा नहीं थे, उनको पता नहीं कि गोधरा में क्या हुआ था, किसने बनाया, ये जहर आरएसएस ने भरा है, इसीलिए तो वो मस्जिद पर चढ़ करके भगवा फहरा रहे। अरे ये वही लोग हैं जो गुजरात में हाई कोर्ट, राजस्थान के हाई कोर्ट पर चढ़कर भगवा फहराते हैं। इस समय जो देश में माहौल है उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार का रुख साफ है। हमें यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो सीधे सीधे दंगाई हो चुकी है और वह दंगाई सरकार पुलिस प्रशासन का अपने हित में इस्तेमाल कर रही है। वरना दिल्ली में जो हुआ ये हम लोग जब इतिहास पढ़ते थे बाबरी मस्जिद विध्वंस का, गोधरा कांड का, गुजरात दंगों का, उस इतिहास की पुनरावृत्ति नजर आती है जिसमें साफ तौर पर ये दिखता था कि जब कार सेवक जा रहे थे बाबरी मस्जिद गिराने तो किस तरह से पुलिस प्रशासन कहीं कहीं मौन सहमति और कहीं मुखर होकर के उनको रास्ता दे रही थी, क्योंकि उसके भीतर का जो भाव था बहुसंख्यक तबका उससे आता था जिसके मन में एक हिंदू भाव पैदा करा गया था, लंबे समय की सियासत थी, फिर पुलिस प्रशासन उसी का साथ दे रही थी। और तमाम इसमें लेख और किताबें आ चुकी हैं कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उसके बाद जो अयोध्या की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा था उसमें पुलिस वाले नाचते और मिठाइयां खाते हुए दिखे, जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखे। गुजरात में जब दंगा किया गया तो स्टेट ने 2 से 3 दिन की छूट दे दी, कहा कि 2 से 3 दिन की छूट है, उसके बाद हम आर्मी लगाएंगे। और उतने में सारे दंगे का पूरा जो इंतजाम किया गया था, जो साजिश बनाई गई थी, वो सफल हुई। वही हमने दिल्ली में देखा। और दिल्ली में तो मैं इसे दंगा कहूंगा भी नहीं, ये सीधे सीधे राज्य द्वारा किया गया हमला था जो पुलिस की प्रोटेक्शन में किया जा रहा था। वरना जिस समय आप मोदी जी का सबसे बड़ा यार, जिसके लिए वो पलक पांवड़े बिछाए हुए थे, पूरी दुनिया में ये डंका पिटवा रहे थे कि अमेरिका हमारे सबसे अच्छा यार है, और आपका चीफ गेस्ट दिल्ली में था, और आपकी आईबी क्या कर रही थी, आपकी सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, क्या वाकई आप इतने लाचार थे कि दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में 3 दिन तक घर फूंके जा रहे थे, लोगों की हत्याएं हो रही थी, चिन्हित करके मारा जा रहा था, जहां जहां शांतिपूर्ण CAA NRC के विरोध में आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलन स्थलों को जलाया जा रहा था और पुलिस तमाशबीन बनी बैठी थी। ये सीधे सीधे जताता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के गिरफ्त में है, कम्युनल हो चुका है, और स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले पर पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो शाहीन बाग में जो आप देख रहे हैं इसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया, और इसका एक उदाहरण आप समझिए, हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा कि दिल्ली वालों का पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ गया। तो यह जो इकबाल सरकार का अब तक जनता के बीच से खो चुका था, सरकार का जो इकबाल है, जो साख है, वो आम जनता के बीच से पूरी तरह खत्म हो गई है कि हमारे पक्ष में है, उसी तरह पुलिस और प्रशासन का भी इकबाल खत्म हो चुका। क्या सर जैसी स्थिति अभी शाहीनबाग में बनी हुई है, जो कुछ समुदाय के लोगों में धमकियां दे रहे हैं कि हमारे यहाँ रास्ता खुलवाइए, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है शाहीनबाग में जैसे नॉर्थ दिल्ली में बने? देखिए, संदेह ऐसा है कि केवल शाहीनबाग नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी सरकार के विरोध में कोई भी आवाज उठ रही है उसे भी चिन्हित करके मारा जा रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उनको दो तरफा हमला किया जा रहा है। एक तरफ उनको अर्बन नक्सल बताया जा रहा है और दूसरी तरफ आप इधर व्यस्त हैं और उधर आपका आरक्षण छीन रहे हैं, आपका क्रीमी लेयर का पूरा क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। तो जो आप हिंदू समझ रहे थे, जिनको ये हिंदू कह रहे थे, दलित पिछड़े आदिवासियों को, उनको भी वो हिंदू नहीं मानते, तो वो उनको फंसाए हुए हैं। अगर मुसलमान कहीं आवाज़ उठा रहा है तो उसे सीधे आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। इसका जवाब ये है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, योगी आदित्यनाथ, जितने लोगों ने जहरीले बयान दिए उनका कुछ नहीं हुआ, और कर्नाटक की वो बच्ची जो जेल में डाल दी गई सेडिशन के चार्ज में, और तमाम जो मुस्लिम तबके के लोग थे उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, कोई जाँच नहीं, कोई पैरवी नहीं, और ये गोदी मीडिया बैठ करके ट्रायल करते हुए कपिल मिश्रा पर कुछ नहीं कर रही है, और सीधे उनको एक मुसलमान चेहरा चाहिए था जिसको आतंकवादी बना सके। तो ये वही काम कर रहे हैं जहां
जहां भी विरोध प्रदर्शन होगा, ये सरकार खुलेआम उनको कुचलना चाह रही है। फासिस्ट गवर्नमेंट है जो सीधे सीधे दंगा की सीढ़ियों को चढ़ करके कुर्सी तक आए हैं। इनको अपना दिन याद आता होगा, जब ये दिल्ली को जलता हुआ देख रहे थे तो इनको फक्र होता होगा कि ऐसे ही तो हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस कराया और देश चुपचाप सहता रहा, ऐसे ही उन्होंने गुजरात दंगा कराया और देश चुपचाप सहता रहा, वही आज हो रहा है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये आग पूरे देश में फैलेगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सर, कुछ दलित एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसमें एससी एसटी शामिल नहीं हुए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जब जितना हिंसा का जो कुछ भी, अभी तो बहुत कुछ जांच बाकी है, कितनी मौतें हुई हैं ये तक सब सही आंकड़े नहीं आ रहे, जितनी आग लगी है उसमें इतने लोग मारे जाएंगे, तो अभी तो तमाम आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। बावजूद इसके जो एक आंकड़ा आया है कि बाहर से लोग, जितने लोकल मोहल्ले वाले हैं उनमें तमाम जगह ये देखना दिख रहा है कि कई हिंदुओं ने मिलकर के अपने पड़ोसी मुसलमान को बचाया है, कई मुसलमानों ने मिलकर के हिंदुओं को बचाया है, तो मोहल्ले वाले लोग कह रहे हैं कि यहाँ हमारे लोग इक्के दुक्के छिटपुट हैं, ये सारी भीड़ जो दंगा करने के लिए, हमला करने के लिए आई है, ये सब बाहर से आई है और उनसे देसी कट्टे बरामद हुए हैं जो यूपी के हैं। तो मेरा मानना ये है कि मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि दलित पिछड़े जो उन लोकल बस्तियों के थे बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आए जितना संघ और बीजेपी अपेक्षा रखती थी, अगर वो आते तो 3 दिन में बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता था। तो मेरा आकलन ये है कि वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं आए, बावजूद इसके जो दंगाई हैं, जिन्होंने घर जलाए, जिन्होंने चिन्हित करके हिंदुओं के तमाम आंकड़े आए, पत्रकार मारे गए, आप लिंग चेक कर रहे हैं कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, पुलिस आज की डेट में 2020 में पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग मार के सड़क पर गिरा दिए गए, मुस्लिम है, उनसे कह रहे हैं बंदे मातरम बोलो, उनसे कह रहे हैं जनगण मन बोलो और उसमें से एक व्यक्ति मर गया, तो पुलिस पर किस बात का इकबाल बचा हुआ है? और अभी भी ये सारे लोग बाहर से जो संघी दंगाई लोग हैं उनको बुलाया गया था और दिल्ली में दंगा कराया गया है, और छिटपुट लोग, दलित पिछड़े भी शामिल हो सकते हैं लेकिन बड़े तबके इसमें शामिल नहीं थे, मोहल्ले वालों ने अपनी साख बचाई है और ये सब संघी दंगाई थे जो बाहर से आके हमला किए हैं। सर, सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि वो कुछ धार्मिक जो बिल्डिंग है उनको निशाना बना रहे हैं, क्या सीए बहाना था, निशाना दूसरी तरफ था? बिल्कुल, देखिए ना, सीए को ये उसी दिन तय हो गया था कि सीए को धार्मिक एंगल देना है जिस दिन देश का प्रधानमंत्री यह भाषा बोलता है कि विरोध करने वालों को पोशाक देख करके पहचान जाएंगे, जिस दिन ये प्रवेश वर्मा से लेकर के अनुराग ठाकुर ये कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो और ये शाहीन बाग ऐसा वोट के बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे, तो ये बीजेपी कर रही थी भाई, हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी का काम था, जबकि ये जो आंदोलन चल रहा था मुझे लगता है कि आजाद भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो असल मानी में संविधान को मानने वाले भारतीय नागरिकों का, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर के आंदोलन चल रहा था, हर धर्म हर तबके के लोग इसमें शामिल थे, केवल मुसलमान नहीं लड़ रहे थे, मुसलमान घरों की महिलाएं अगुवाई कर रही थी इस आंदोलन की, बाकी संविधान में भरोसा रखने वाले लोग इसके पीछे खड़े थे। तो ये बीजेपी और आरएसएस तो चाहती थी कि इसे हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाए, क्योंकि इस देश में गोल से गोलवलकर सावरकर उस समय से जहर भरा गया है जो जहर अंग्रेजों ने भरा था, हिंदू बनाम मुस्लिम, बांटो और राज करो, वही आरएसएस का विचार है। 1925 से ये दिन रात बहुसंख्यक हिंदुओं को यह समझाते हैं कि 85% होने के बावजूद तुम खतरे में हो 15% लोगों से, और लगातार नफरत भरी जाती है क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक तबका शिक्षा से वंचित रह गया, इन्होंने एजुकेशन को पूरी तरह बर्बाद किया, रोजगार हाथ में दिए नहीं, तो झूठे खबरों पर, इनके झूठे प्रोपोगंडे पर तमाम देश की जनता बरगलाई हुई है, तो जब जब मौका दिखा वो जनता हिंदू बनाम मुस्लिम करती है, तो ये फसल आरएसएस ने दशकों से बोई है, इसलिए सीएनआरसी में जहां कोई तुक नहीं था हिंदू बनाम मुस्लिम करने का, ये तो पूरा देश लड़ रहा था ना, तो कैसे ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया, क्योंकि ये जहर दशकों से भरा गया है, इसीलिए मस्जिद पर चढ़ करके वो बच्चे जो शायद बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय पैदा नहीं थे, उनको पता नहीं कि गोधरा में क्या हुआ था, किसने बनाया, ये जहर आरएसएस ने भरा है, इसीलिए तो वो मस्जिद पर चढ़ करके भगवा फहरा रहे हैं। अरे ये वही लोग हैं जो गुजरात में हाई कोर्ट, राजस्थान के
हाई कोर्ट पर चढ़कर भगवा फहराते हैं। ये वही लोग हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते, ये वही लोग हैं जो भगवा को सनातनी झंडा मान करके नागपुर पर नहीं फहराने दिए थे। तो जहर हिंदू बना मुस्लिम का इस देश में आरएसएस ने दशकों से भरा है। जब जब ये होगा, ये हिंदू बना मुस्लिम करके इसकी फसल काटेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है सर, बहुत लोग दिल्ली से अपना घर छोड़ के चले गए हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, तमाम लोग घर छोड़ के चले गए हैं। मैं समझता हूँ कि न तो मेरे पास कोई नैतिक आधार बचा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने इस शहर को जलता हुआ देख रहा हूँ, बस जली हुई तस्वीरें देख रहा हूँ, मार दिए गए लोगों की लाशों को देख रहा हूँ, रोते बिलखते बच्चों और घर वालों को देख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब इतना रोक पाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया उनको बचाने में, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा में जो आतंकी लोगों ने हमला कर दिया एक तबके के ऊपर, मैं नहीं रोक पाया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किस नैतिक आधार से कहूँ कि आप मत जाइए। लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है देश के संविधान पर, मुझे उम्मीद है इस देश में जो 70 साल में डेमोक्रेसी इतनी तो मजबूत हुई होगी कि लोगों का नागरिक बोध मजबूत हुआ होगा, कि वो जलने नहीं देंगे इस देश को। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब आपने 1947 में, मैं आपसे बस ये साझा कर सकता हूँ कि आपने 1947 में जब ये कबूल किया कि हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद होने में अपने बलिदान दिया था और आपके पुरखों की मिट्टी यहाँ पर दफन है, तो आप इस देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? ये देश अगर आपने चुना है तो ये देश आपका है, आइए मिलके लड़ेंगे। हालांकि लड़ाई मुश्किल है, दंगाई सत्ता में बैठे हैं, दिन रात वो पुलिस से, प्रशासन से, कोर्ट से मिल करके वो हमला कर रहे हैं। पता नहीं हम कितना दिन तक बच पाएंगे, कितना दिन तक हम आवाज़ उठा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भागने से उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि आइए अपने हाथों को और मजबूत करें, अपने आप को इसलिए तैयार करें क्योंकि भागने से कुछ मिलने वाला नहीं। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पुरखों ने, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख ने, अंबेडकर, फूले पेरियार ने, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल की यारी ने बनाया है ना देश। जब हमने कुर्बानी दी तो ये देश आज़ाद हुआ, हमारे खून पसीने, हमारे कामगारों ने मिल करके इस देश की बुनियाद बनाई है, तो हम क्यों इस देश से छोड़कर के कहीं जाएंगे? हम अपने मोहल्ले को छोड़ करके क्यों जाएंगे? हम लड़ेंगे क्योंकि यह देश आज उनकी गिरफ्त में है जिनका इस देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, वो दिन रात नफरत फैलाते हैं। तो अगर आप भागेंगे तो आप कमजोर पड़ेंगे, और मिल करके लड़ना है इसका एक निदान है। आप कहीं मत जाइए, आप वहीं रहिए, आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं और देश की आवाम को ये संदेश देते हैं कि अगर तुम्हारे गुलिस्तान को लोग लूटने और बर्बाद करने के लिए हैं तो आओ। हम तो बहुत बड़ी तादाद में, दंगाई तो बहुत थोड़े से हैं, सरकार तो कुछ दिन की है, बड़ी बड़ी सरकारें आई और चली गईं। हम इस सरकार के भी तख्ता पलटेंगे, इनको कुर्सी से उतारेंगे, दंगाइयों को मुड़ तोड़ जवाब देंगे, और इसके लिए हाथ से हाथ मिला करके, संविधान को आगे रख करके लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए, ये देश हमारा है और इसे हम बचाएंगे और बनाएंगे।